में कहा जाता है कि उन्होंने हलाहल का पान गले में रोक लिया, इसलिए नीलकंठ हो गया। उसी का एक फॉर्म है, विषैले तत्व उन्होंने लिए इसको और उसको इतना धीरे धीरे उतारा कि उनको गला नीला पड़ गया उस जहर के प्रभाव से। और धीरे धीरे इसलिए उतारा उन्होंने, ये भी मैंने इस किताब में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिससे कि बॉडी उस जहर को एक्लिमेटाइज हो सके, उसके अनुरूप ढाल सके अपने आप को। और जब वो उस चीज में सफल हुए इसलिए वो अमर हुए। बहुत बढ़िया। तो सर अभी मैं अभी किताब में गाने बात करके वो जैन जाते हैं, उनमें एक व्यक्ति मिलती है, उनको बोलते कि मैं अमृत की खोज में आया। तो कोई व्यक्ति 32 साल का व्यक्ति बताता है उनको कि ये महंत है और इन्हें बोला कि आप सबसे पहले जाइए दरवाजे खोली, दरवाजे के अंदर जाइए, वहां पर आदिनाथ के दर्शन कीजिए। और जब वो जाते ही महंत के पास कि मेरे को अभी बताया कि आदिनाथ के पास कि आप पहले वहां जाइए उनके दर्शन कीजिए, और जब मैंने वहां पर देखा गेट खुला बंद होने वाला, तो वही व्यक्ति अंदर थे जिन्होंने मुझे बाहर बताया था। तो ये फिर जब वो बाहर महंत को लेके जाते हैं और बोलते हैं कि वो आप आदिनाथ मिले थे मुझे, तो महंत ने बताया कि मुझे भी ऐसा कुछ समय वर्ष पहले मिले थे और वो यहाँ मौजूद है, इसका मतलब वो अमर भी याद रखते जी। तो ऐसा स्टोरी आपने बताई मुझे जी। एक्चुअली इसमें क्या तो हुआ, क्या हमें भी ऐसा कुछ हो सकता है कि हम सर्चिंग करें शिवा को, जैसे कि हम अगले एपिसोड में उज्जैन जाने वाले हैं और वहाँ पर हम जो है गो टू उज्जैन सिंहस्थ के बारे में बात करेंगे। तो आपने बताया सतऋषि से कुछ होता है, एक समय होता है जिसमें सिंहस्थ लगता है। तो बाबू जी भी बताए थे कि भाई उनने बोला कि मैं 32 साल का हूँ, पर आप बोल रहे हैं कि कितने साल, 40 साल पहले की बात कर रहे हैं, बोला था। तो ऐसा कैसे संभव है, तो कैसे समझो एक व्यक्ति 32 साल की उम्र में हमेशा रहता है ना। ये चीजें ही उसको अट्रैक्ट करती है, हमारा जो सेंट्रल कैरेक्टर है रामानंद, कि जब उसको ये मालूम है कि हिंट ये मिल गया कि आदिनाथ ही गाइड कर सकते हैं और आदिनाथ ने इस सीक्रेट को गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू, एक नाथ पंथ है जो हमारा, जिसमें मत्स्येंद्र नाथ हुए, जिसमें गोरखनाथ हुए, बहुत बड़े बड़े उसमें नाथ। पर सर एक बात बता रहा हूँ, जैसे शिव भगवान है, उन्हें तो गृहस्थ आश्रम भी लिया, उनसे बड़ा बैरागी भी कोई नहीं है, तो रामानंद मतलब जो ये भोला करते हैं, शादी क्यों नहीं करना चाहता था, क्यों ओवरेज हो गई थी, तो ये समाज से कैसे जुड़ गया, मतलब ये जाना था नहीं, क्योंकि इतना भोला है और उसको गृहस्थी में इतना जल्दी पढ़ना नहीं, उसको बहुत सी दूसरी चीजें खोजनी, इसलिए वो तो गृहस्थ से भी तो हम शिव की तरफ जा सकते हैं। हाँ गृहस्थ से जा सकते हैं, लेकिन वो तो अभी शिव की खोज में निकला, उसको इतनी ज्ञान नहीं है कि गृहस्थ भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है, ज्ञान कैसे भी प्राप्त हो सकता है।